फ्रेंड्स, क्या आप इन दो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं? मतलब इन दोनों वर्ड्स में सी एच आया हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ सी एच का आवाज क्या है? फ्रेंड्स, सी एच का आवाज च, श और क होता है। तो अब हमारे लिए ये बात जानना जरूरी है कि सी एच का आवाज कब च, कब श और कब क होगा। फ्रेंड्स, चाहे आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, लेकिन जब बात सी एच की साउंड की होती है तो हम सभी को डिक्शनरी का सहारा लेना होता है, क्योंकि अभी तक आप इन सभी लेटर्स का आवाज सीख चुके हैं। और यह आपने सीखा कि अगर आप जी का साउंड जानना चाहते हैं तो जी का साउंड कभी ज कभी ग होता है, सी का साउंड कभी स और कभी क होता है। वहां आपको ये भी बताया गया, अगर कंडीशन ऐसा होगा तो सी का आवाज स होगा, अगर कंडीशन वैसा होगा तो सी का आवाज क होगा। तो इन सभी लेटर्स का साउंड जानना बेहद आसान था। क्यों? क्योंकि वहां एक रूल बताया गया, आप उस रूल के अकॉर्डिंग जान सकते हैं कि कहां सी का आवाज स होगा, कहां क होगा, कहां जी का साउंड ज होगा और कहां जी का साउंड ग होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब बात हम सी एच की करते हैं तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसे आपको बताया जा सके कि सी एच का आवाज कब च होगा, कब श होगा और कब क होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, और जब बात ऐसी है तो हम कैसे समझेंगे कि यहां सी एच का आवाज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉमन वर्ड होते हैं या जो जनरल वर्ड होते हैं, इस तरह के वर्ड में सी एच का आवाज च होता है, यानी सी एच का आवाज ये तीनों होते हैं, च, क, श। लेकिन लेटर च का आवाज सबसे ज्यादा किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि श और क का आवाज कब होगा। तो फ्रेंड्स, जो वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में आया हुआ है, तो इस तरह के वर्ड्स में सी एच का आवाज श होता है। यानी जो वर्ड फ्रांसीसी भाषा से आए हुए हैं, उस तरह के वर्ड में सी एच का आवाज श होता है। और जो वर्ड्स इटालियन या यूनानी भाषा से आए हुए हैं, वहां सी एच का आवाज क होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि कहां सी एच का आवाज च होगा, कहां श और कहां क, तो फिर आपको फ्रेंच, इटालियन और यूनानी लैंग्वेज सीखना होगा, जो इतना आसान नहीं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे प्रैक्टिस के जरिए सीखते हैं। और फ्रेंड्स, जब कभी भी हमें कोई नया वर्ड मिलता है जहां लेटर सी एच आया हो, तो डिक्शनरी का सहारा लेना ही पड़ता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, बल्कि ये सबके साथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप जान सकें कि सी एच का आवाज च, श और क किस तरह के वर्ड्स में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहां मैंने कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है जहां सी एच का आवाज च होता है, जैसे अर्च, चैप्टर, स्टेंच, मर्च, चैरिटी, ट्रेंच, ड्रेंच, स्पीच, चैनल, अटैच, इंच, टॉर्च, चांस, चर्च, पिंच, पॉर्च, सर्च, मंच, मच, इच, चक, फ्लिंच, सच, रिच, चकल, क्लिंच। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में सी एच का आवाज च होता है। आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं जहां सी एच का आवाज श होता है। फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में सी एच का आवाज श होता है, जैसे निश, मशीन, गोश, कलीशे, शेफ, अलांश, शरड, शिफॉन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां सी एच का आवाज श, 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 यानी यहां हर जगह सी एच का आवाज श है। फ्रेंड्स, आप यहां ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सी एच का आवाज सही तरीके से सीख पाएंगे। सिर्फ आप ही नहीं, हम सभी इसे प्रैक्टिस के जरिए ही सीखते हैं। आइए देखें कि सी एच का आवाज कब
क होता है। फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में सी एच का आवाज क होता है, जैसे आइक, ऑर्गेनिक, क्यास, कैरेक्टर, कज्म, केमिकल, टेक्निकल, इको, क्रिसमस, क्रॉनिक, इपॉक, ऑर्केस्ट्रा, स्कीम, स्कॉलर, स्कूल, स्टमक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हर जगह सी एच का आवाज क होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सी एच के आवाज पर जमकर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि सी एच का आवाज कब च, कब श और कब क होता है। आइए फ्रेंड्स, लास्ट में एक ऐसा वर्ड देखते हैं जहां सी एच आया तो रहता है पर उसकी आवाज नहीं होती। फ्रेंड्स, इसे हम पढ़ते हैं याट, यानी यहां सी एच साइलेंट होता है और इसका मतलब होता है नौका, यानी नाव। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कई साहब पूछते हैं कि लेटर वाई का सही आवाज क्या है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में लेटर वाई का आवाज सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वाई एक ऐसा लेटर है जो न सिर्फ कॉन्सोनेंट है बल्कि वाउल भी है, यानी वाई को हम कॉन्सोनेंट और वाउल दोनों की कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए वाई को सेमी वाउल भी कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि वाई कब कॉन्सोनेंट बन जाता है और कब वाउल बन जाता है। बहुत आसान जवाब है, थोड़ा सा केयर कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जब किसी वर्ड की शुरुआत वाई से हो तो यहां वाई एक कॉन्सोनेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड्स की शुरुआत वाई से है, तो यहां हर जगह वाई एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब लेटर वाई किसी वर्ड के बीच में आ जाए या जब लेटर वाई किसी वर्ड के लास्ट में हो, जैसे आप देख सकते हैं यहां लास्ट में वाई आया हुआ है, बेबी, यहां भी वाई लास्ट में आया हुआ है, लेडी, यहां भी वाई लास्ट में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब लेटर वाई का यूज किसी वर्ड के बीच में हो या किसी वर्ड के लास्ट में हो, तो यहां वाई एक वाउल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जब किसी वर्ड की शुरुआत वाई से हो तो वहां वाई एक कॉन्सोनेंट रहता है, लेकिन जब किसी वर्ड के अंदर वाई हो या उस वर्ड के लास्ट में वाई हो, तो यहां वाई वाउल बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आया होगा कि वाई कब कॉन्सोनेंट रहता है और कब वाउल हो जाता है। आइए अब वाई का आवाज देखते हैं। फ्रेंड्स, जब वाई एक कॉन्सोनेंट के जैसे आता है, यानी जब वाई किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है, तो इस तरह के वर्ड में वाई का आवाज यह होता है, जैसे ईयर, यस, इल्ड, यार्ड, येल, येट। इन सभी वर्ड में लेटर वाई का आवाज यह है। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, जब लेटर वाई एक वाउल के जैसे आता है तो लेटर वाई का दो आवाज होता है, पहला ई और दूसरा आई। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जहां लेटर वाई का आवाज ई होता है, बेबी, बैली, कैरी, पैरी, एवरी, कॉपी, सिटी, लेडी, मैनी, जैनी, विली। फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में वाई का आवाज ई है। आइए अब दूसरा आवाज देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं वो दूसरा आवाज बताऊं, मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि लेटर वाई का आवाज ई तब होता है जब लेटर वाई का यूज एक वाउल की जैसे हो, यानी लेटर वाई उस वर्ड के लास्ट में आया हो। आइए अब दूसरा आवाज देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ थोड़े वर्ड्स में लेटर वाई का आवाज आई होता है, जैसे क्राई, ड्राई, प्लाई, फ्राई, स्काई, रिप्लाई, बाई, सलाई, स्पाई, माई, ट्राई। फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में लेटर वाई का आवाज आई है और यहां लेटर वाई एक वाउल की जैसे आया है।
हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि कैसे पता चलेगा कि लेटर वाई का आवाज कब ई और कब आई होगा। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि ऐसा कोई रूल नहीं जो मैं आपको बता सकूं कि कब आपको वाई के लिए ई और कब आई का आवाज लेना है। इसे आप प्रैक्टिस के जरिए सीखेंगे। सिर्फ आप ही नहीं, हम सभी इसे प्रैक्टिस के जरिए ही सीखते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वाई का आवाज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।